हे एवरीवन, आई एम शुभि और आप देख रहे हैं ग्लैमर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस लाती रहती हूं, तो उन्हें देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। पिंकी मैडम, हाँ पिंटू, आपने मेरी सैलरी काट दी। सॉरी पिंटू, कोरोना की वजह से सबकी सैलरी काटनी पड़ी। इशिता दत्ता जो रिसेंटली थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी में नजर आ रही है, एक टाइम ऐसा था जब सबको उनका फेस तनुश्री दत्ता जैसा लगता था और उन्हें रिकॉग्नाइज ही उनकी सिस्टर के नाम से किया जाता था। पर टाइम के साथ और उनकी एक्टिंग नोटिस में किए जाने के बाद इशिता सिर्फ अपने ही नाम से जानी जाने लगी। फिर उनकी शादी हुई वत्सल सेठ से, पर दोनों की जल्दबाजी में प्राइवेटली शादी होने पर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे और कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी करने लगे कि वत्सल तो इतना स्मार्ट है, ये कैसी लड़की से शादी कर ली। पर इतना जल्दबाजी में उनकी शादी हो जाने की वजह क्या थी और इशिता एक्टर आर माधवन और डायरेक्टर इम्तियाज अली से क्या कनेक्शन रखती है, तनुश्री दत्ता की मी टू मूवमेंट एलिगेशन की वजह से इशिता को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और क्यों इस वजह से उनका एक्टर अजय देवगन के साथ रिश्ता खराब भी हो सकता था, उनकी लाइफ से जुड़ी अब तक की ऐसी ही सारी अनजानी बातें मैं शुभि आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। इशिता दत्ता का जन्म 26 अगस्त 1990 को जमशेदपुर झारखंड की एक बंगाली फैमिली में हुआ था और बचपन से ही इशिता काफी सॉफ्ट काम और शांत नेचर की रही, पर बाद में वो जाकर किस तरह बदल गई आप आगे इस वीडियो में जान जाएंगे। इशिता के फादर तपन दत्ता लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं और उनकी माँ शिखा दत्ता एक होम मेकर रही है। इशिता की एक एल्डर सिस्टर भी है एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता, ने आशिक बनाया अपने मूवी से ऑल ओवर इंडिया काफी पॉपुलैरिटी मिली थी और साथ ही उन्होंने मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम किया था। इशिता जब छोटी थी तब बहुत शांत सी अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की हुआ करती थी और एक्टर बनने जैसा पोटेंशियल उनमें है भी या नहीं इससे भी अनजान थी, पर क्योंकि उनकी फैमिली में हमेशा बेसिक एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन तक स्टडीज खत्म करने के लिए एम्फेसाइज किया जाता था, इसीलिए इशिता का हमेशा सारा ध्यान स्टडीज पर रहा। इशिता ने अपनी स्कूलिंग झारखंड के DBMS स्कूल से की जो काफी पॉपुलर स्कूल से आता है और इस स्कूल से काफी पॉपुलर लोगों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, जिनमें से आर माधवन, इम्तियाज अली और तनुश्री दत्ता कुछ नाम है। अपनी स्कूलिंग बायोटेक फील्ड से कंप्लीट करने के बाद इशिता अपनी सिस्टर तनुश्री दत्ता के पास मुंबई चली गई और ग्रेजुएशन वहीं रहकर खत्म की। तब तक इशिता का इस इंडस्ट्री में आने का कोई प्लान नहीं था और वो श्योर भी नहीं थी, पर तनुश्री दत्ता उस टाइम अपनी पहचान बना चुकी थी और उनके पेरेंट्स ने हमेशा उनके करियर को लेकर दोनों ही सिस्टर्स को सपोर्ट किया और उनकी फैमिली में सिर्फ दोनों सिस्टर्स ही हैं जो आज इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना पाई है। खैर, तो जब इशिता ग्रेजुएशन डेज में थी तब तनुश्री जो उनकी गाइड भी है उन्होंने उन्हें कहा कि यदि तुम इस इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहती हो तो पहले एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करके थोड़ा देख तो लो कि तुम कितना सीख सकती हो और क्या तुम्हें सच में इस फील्ड में इंटरेस्ट है भी या नहीं। अपनी सिस्टर की बात मानकर इशिता ने वो ही किया और अनुपम खेर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, पर इशिता को पहली जॉब बतौर असिस्टेंट मिली थी, तब वो महज 18 साल की थी और डायरेक्टर ने उन्हें सैलरी रिलेटेड पहले से कुछ नहीं बताया था। इशिता ने भी सिर्फ काम सीखने के लिए वो जॉब की थी, पर डायरेक्टर ने चुपचाप वैनिटी वैन में उनके पर्स में 3000 का चेक रख दिया था। फिर जब उन्होंने अनएक्सपेक्टेड सैलरी देखी तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने वो रुपए अपनी माँ को जाकर दे दिए। इशिता ने फर्स्ट मूवी येनिडु मनसाला में उनकी सिस्टर के साथ काम किया था और ये उनकी डेब्यू मूवी भी बनती, पर कुछ रीजंस की वजह से वो मूवी कभी रिलीज ही नहीं की गई। खैर, 22 साल की उम्र में तेलुगु मूवी चाणक्यूड मूवी से उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया और फिर 2015 में राजा राजेंद्र मूवी से अपना कन्नड़ फिल्म डेब्यू भी किया, पर तब तक इशिता को ऐसा कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। वैसे इशिता को अच्छी खासी पहचान टीवी इंडस्ट्री में मिल पाई, जहां अपना टीवी डेब्यू उन्होंने 2013 में एक घर बनाऊंगा शो में पूनम के रोल से किया, पर ये शो उनके पॉपुलर टीवी शो का हिस्सा कभी नहीं रहा। पर जब 2015 में अजय देवगन स्टारर दृश्यम मूवी रिलीज हुई तब केवल अजय देवगन ही नहीं बल्कि मूवी की लीड कास्ट में सभी एक्टर्स को पहचान मिली, उनमें से एक इशिता दत्ता भी थी। इस मूवी में उन्होंने एक्टर अजय देवगन की बेटी का रोल प्ले किया था। इसके बाद वो कपिल शर्मा के साथ फिरंगी, लष्टम पष्टम, सेटर्स, ब्लैंक जैसी कई मूवीज में काम कर चुकी है, जिनमें से दृश्यम, सेटर्स और ब्लैंक थ्रिलर मूवीज थी और तीनों ही मूवीज में इशिता को काफी पसंद किया गया। पर जो पहचान उन्हें आज टीवी पर मिली वो रिश्तों के सौदागर शो में अरुंधति के रोल से पॉसिबल हो पाई थी, जिसमें उनके अपोजिट उनके हस्बैंड वत्सल सेठ थे। ये शो ज्यादा लंबा नहीं चला पर वत्सल से उनका रिश्ता उम्र भर का बन गया। ये वो ही टाइम था जब इशिता एक शाय पर्सन से टॉकेटिव एंड चीयरफुल पर्सन में बदल गई। दोनों का रिश्ता शादी तक कैसे पहुंचा इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। क्या 2018 में कौन है और बेपनाह में एक्ट करने के बाद इशिता की लाइफ ने वो टर्निंग पॉइंट लिया कि आज इशिता को टीवी पर देखने के लिए
सब एक्साइटेड रहते हैं। और उनकी लाइफ का वो शो था 2019 का बेपना प्यार, जिसमें उन्होंने प्रगति का रोल प्ले किया था और शो में उनके रोल को बेहद पसंद किया गया। बाद में खतरा 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 और बिग बॉस 13 में वो गेस्ट अपीयरेंस में भी नजर आ चुकी है। आज उन्हें थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी में काजोल मुखर्जी के रोल में देखा जा रहा है। पर जहां इस शो की स्टोरी सभी को पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शो घिसी पिटी स्टोरी पर बेस्ड है और ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब जान लेते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। तो वत्सल और इशिता की मुलाकात सपनों का सौदागर सेट्स पर हुई थी और सभी का ये ही मानना रहा है कि ये शो बना ही दोनों को मिलवाने के लिए था। शो तो जल्दी खत्म हो गया, पर खत्म होने के 3 महीने बाद तक वो दोनों मिलते रहे और फिर अच्छे दोस्त बने और 6 महीने बाद वत्सल ने डायरेक्ट उनसे शादी के लिए पूछ लिया और पेरेंट्स के अग्री करते के संग ही 1 महीने के अंदर उनकी शादी हो गई। दोनों ने शादी बहुत ही प्राइवेटली की थी और उनकी सिस्टर तनुश्री, जो उस वक्त US में थी और वीजा अटकने की वजह से शादी अटेंड नहीं कर सकी थी, उस पर भी लोगों ने काफी डाउट क्रिएट किया था कि इतनी भी क्या जल्दबाजी थी और प्राइवेटली शादी आखिर क्यों की। तब इशिता ने क्लैरिफाई किया था कि वो दोनों तो मंदिर में शादी करना चाहते थे, पर उनके पेरेंट्स चाहते थे कि प्रॉपर रीति रिवाज से उनकी शादी हो, इसलिए कुछ ही मेंबर्स को इनवाइट करके इस्कॉन टेंपल में उनकी शादी हुई थी और यदि 1 साल भी बचा होता तो भी वो इतनी ही छोटी शादी करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इशिता और उनके हस्बैंड दोनों ही अजय देवगन के साथ काम कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा बॉन्ड भी शेयर करते हैं। पर जब अजय देवगन ने अपनी मूवी दे दे प्यार दे में आलोक नाथ को रोल दिया था, तब तनुश्री दत्ता ने अजय देवगन को हिपोक्रेट एंड ओवररेटेड एक्टर कहा था, क्योंकि आलोक नाथ पर मीटू कैंपेन के दौरान रेप अक्यूजेस लगे थे, जिस पर अजय देवगन का ये कहना था कि फिल्म का प्रोडक्शन रैप्ड अप होने के बाद ही ये सब हुआ था। इशिता ने ऐसे में अपनी सिस्टर को भी सपोर्ट किया और अजय देवगन सर के क्लैरिफिकेशन को भी एक्नॉलेज किया और इसी वजह से उनका रिश्ता किसी से नहीं बिगड़ा। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी इशिता दत्ता की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। पिंटू प्लीज मेरी तारीफ करो ना। पिंकी तुम ना, तुम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, गॉर्जियस, एच फॉर हॉट, और आई जे के, आई एम जोकिंग। ठीक है, तो कल से मैं ना शाम को जल्दी जाऊंगा और सुबह लेट आऊंगा। ऐसा क्यों? मैं पूरी रात टैक्सी चलाऊंगा ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। ओ, मैं समझ सकती। अरे पिंटू सुनो, रात को कभी भूख लगे ना तो जूस अकल पे आ जाए। जूस अकल? क्यों? पूरी रात में वहां पाव भाजी बेचते हो। हैप्पी? ओके, डबल क्लिक ऑन माय कंप्यूटर। आई कैन सी योर कंप्यूटर। नो नो, क्लिक ऑन माय कंप्यूटर ऑन योर कंप्यूटर। हाउ कैन आई क्लिक ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम